नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आइडियल स्टडी पॉइंट में आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन फॉर एग्ज़ाम 2019 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। सब्जेक्ट्स मैथ्स का बाय दीपक सर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पहले पार्ट में आपने समाकलन का पार्ट वन वीडियो आपने देखा, और ये समाकलन का ये पार्ट टू यानी कि पार्ट दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम 7.2 एनसीईआरटी का जो भी VVI प्रश्न है उसको मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल स्टडी पॉइंट, ये 7.2 है एनसीईआरटी VVI क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन फॉर एग्जाम 2019 बाय दीपक सर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको चाहिए तो इसको नोट कर लें और इस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी प्रश्नों का आंसर पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा प्रश्न है। 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो चलिए मैं इसको i मान लेते हैं। मान लिया कि ये जो है हमारा i है ना, और हम नीचे वाला जो पद है इसको हमने t मान लिया, ठीक है। अब हम t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जीरो हो जाता है, इसका एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई dx। ये dx यहाँ पे आ जाएगा और ये 2x आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2x। यदि आप यहाँ पे अब मान इसका पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे इसको आपने t माना है, तो t भरिए और देखिए यहाँ पे dx, dx के स्थान पे क्या भर सकते हैं, dt बाई 2x। ओके, तो देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 बाई टी dt और 1 बाई टी, जैसे 1 बाई एक्स का log x होता है ना, उसी तरह से 1 बाई टी का log t प्लस c, और t का जो मान यहाँ से माने हैं इसको हम पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। तो मैं इसको i मान लेता हूँ। तो चलिए 1 बाई एक्स प्लस, इसमें से हम दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं। चलिए x कॉमन, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे log x dx, तो 1 प्लस log x को हम t मान लेते हैं, और x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकल करेंगे, तो x इसका तो 0 हो जाएगा 1 का, और log x का 1 बाई एक्स होता है, और dt बाई dx, तिरछा गुना कीजिए तिरछा तिरछी, तो dx हो जाएगा x में dt से, तो x dt। इसलिए i का मान यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। y बराबर क्या, 1 बाई, यहाँ ना माने हैं, ये 1 बाई एक्स, इसको मैंने पूरे को क्या माना है, t मान लिया, तो t पुट कर दिए, और इस dx के स्थान पर क्या पुट करना है, एक्स डी टी, तो एक्स डी टी। और देखिए दोस्तों, इस एक्स से एक्स आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 1 बाई टी डी टी, और इसका 1 बाई टी का लॉग टी प्लस सी, और टी का मान यहां से आप जो माने हैं, ये टी का मान 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर सकते हैं प्लस सी। यही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो चलिए इस इंटीग्रेशन अब इसका हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को दोस्तों टी मान लेते हैं। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे मैंने डी एक्स लिख दिया, ये माइनस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब इसलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे डी एक्स के स्थान पे डी टी बाई माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन है तो साइन एक्स, साइन है तो साइन लिख दिए, और इसको पूरे को टी माना है तो टी, और डी एक्स के स्थान पर मैंने इतना पुट कर दिया। देखिए दोस्तों, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस है तो माइनस बाहर खींच लिया, और यहाँ पे साइन टी बच गया, डी टी हो गया। साइन का क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस, तो यहाँ से भी माइनस, और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे कॉस और टी का मान जो माने हैं कॉस एक्स, ये पुट कर दीजिए प्लस सी। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस फोर डी एक्स का। तो इस एक्स प्लस फोर को, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है, देख लीजिएगा। तो एक्स प्लस फोर को आप टी मान लीजिए,
तो इसका वन हो जाएगा, इसका इसका तो जीरो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो डी एक्स डी टी। अब आप यहाँ पर डी एक्स के स्थान पर डी टी पुट कर सकते हैं और वन एक्स हो जाएगा, इसको आपने टी माना है तो टी, और इसको आप इस रूट को आप वन बाई टू के रूप में पावर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से एक्स का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो फोर उधर चल जाएगा, यानी टी माइनस फोर, एक्स का मान टी माइनस फोर भर दिए। और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो टी के पावर वन है ना वन, और ये यहाँ से वन बाई टू जाएगा तो वन में से वन बाई टू घट जाएगा, माइनस है फोर है, फिर इसमें भी इससे भाग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि टी इन्वर्स वन बाई टू डी टी। अब देखिए दोस्तों, वन में से आप हाफ घटाइएगा तो हाफ बचेगा, ये डी टी हो गया, माइनस फोर बाहर कॉन्स्टेंट है कर लिए, बाहर निकाल लिए, टी के पावर माइनस वन बाई टू डी टी। यहाँ पे इसको आप क्या कीजिएगा, वन प्लस कीजिएगा ना तो थ्री बाई टू, यहाँ पर भी थ्री बाई टू हो जाएगा माइनस फोर, और इसमें भी एक जोड़िएगा तो एक में से घटेगा हाफ, था वन बाई हाफ मतलब वन बाई टू हाफ ही हो जाएगा, इसमें भी हाफ से भाग करना पड़ेगा प्लस सी। इसको आप टू बाई थ्री लिख सकते हैं, इसको टू बाई वन में फोर से गुना कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, टू बाई थ्री टी के पावर थ्री बाई टू, और चार गुना कितना हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा, इसको आप रूट के रूप में लिख सकते हैं प्लस सी। और यहाँ से टी का मान हम जो माने थे एक्स प्लस फोर भर दिए, और यहाँ पर टी का मान एक्स प्लस फोर भर दिए, आंसर यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्स क्यू माइनस वन के पावर वन बाई थ्री एक्स के पावर फाइव डी एक्स। तो चलिए आप इस एक्स क्यू माइनस वन को आप टी मान लीजिए, ओके। तो मैंने इसका एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, इसका तो वन जीरो हो जाता है ना, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पुटिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसको मैंने टी माना है ना, टी वन बाई थ्री हो गया, और एक्स फाइव को मैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो टी के पॉइंट वन बाई थ्री एक्स क्यू डी टी, वन बाई थ्री बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, देखिए। और देखिए यहाँ पे टी प्लस वन कैसे हो गया, देखिए दोस्तों, एक्स क्यू का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस वन, यानी कि टी प्लस वन होगा ना, एक्स क्यू का मान टी प्लस वन भर देंगे ना, टी प्लस वन। अब यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, टी के पावर वन बाई थ्री और वन, तो इन दोनों को कीजिएगा तो जुड़ेगा ना, एक एक इसमें जुड़ेगा तो थ्री, यानी कि फोर बाई थ्री हो जाएगा, और इस वन से इसमें गुना कीजिएगा तो टी के पावर वन बाई थ्री हो जाएगा डी टी। दो पार्ट में कर ले जाए, चूँकि दो पद हैं, दोनों पद को इंटीग्रेट कर ले जाए अलग अलग, तो वन बाई थ्री यहाँ पर डी टी हो जाएगा, फिर वन बाई थ्री इसमें भी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेट तो थ्री बाई फोर बाई थ्री को कीजिएगा, वन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सेवन बाई थ्री, और सेवन बाई थ्री बाहर बट्टा में भी हो जाता है वन बाई थ्री, इसमें एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री, और फोर बाई थ्री नीचे प्लस सी। अब इसको उलट देंगे हम तो थ्री बाई सेवन, और ये जैसे है टी के पावर सेवन बाई थ्री वन बाई थ्री, इसको उलट देंगे थ्री बाई फोर काट लेंगे, तो देखिए दोस्तों इसको सोल्यूशन करने के बाद हमारा वन बाई सेवन टी के पावर, तो टी के मान हम यहाँ पुट कर दिए, माने थे ना यहाँ एक्स क्यू माइनस वन माइन बराबर टी, तो वो पुट कर दिए टी का मान, यहाँ भी पुट कर दिए दोस्तों, यही आपका आंसर आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है एक्स बट्टा टी के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए हम इसके एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी माना तो इसे एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स डी टी बाई टू एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है ना, टी पुट कर दिया। अब क्या कीजिएगा आप कि यहाँ पे डी एक्स के स्थान पर डी टी बाई टू एक्स लिखिएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, वन बाई टू बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे ई के पावर टी, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा डी टी, इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस टी इन्वर्स टी, और चूँकि इसका ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, उसी तरह से माइनस लगा है तो माइनस वन से भाग भी पड़ेगा ना, माइन जो एक्स में सेट रहा है तो बाटा में करना पड़ता है, यानी टी में माइनस वन है तो माइनस वन से भाग करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा ये माइनस प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ से टी का मान जो माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, इन्वर्स हटाने के लिए बट्टा में भेज देंगे, यही आपका दोस्तों आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई के पावर टेन इन्वर्स एक्स वन बट्टा थ्री बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। तो चलिए हम टेन इन्वर्स एक्स को टी मानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन इन्वर्स का वन बटे
वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने दोस्तों इसमें पहले वाले वीडियो पार्ट में बताया था कि ये सूत्र टेन इनवर्स का क्या होता है, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डी टी बाई डी एक्स हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया था टी, और यहाँ पे जैसे छोड़ दिए, और यहाँ पे डी एक्स के स्थान पर पुट कर सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। डी वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ई टी ई के पावर टी डी टी, इसके इसका इंटीग्रेशन ई के पावर टी हो जाता है प्लस सी, और टी का मान जो माना था टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वन बटे वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तो वन बटे वन प्लस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है ना, तो मैंने ये कॉस बटे साइन, अब इसको आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो कॉस प्लस सी साइन प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये उलट जाएगा तो कॉस ऊपर साइन ऊपर चला जाएगा। हम इसमें दो से गुना दो से भाग कर लेते हैं दोस्तों सूत्र में लाने के लिए, तो यहाँ पे टू साइन हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि एक बार साइन लिख दिया, फिर नीचे जैसे साइन कॉस है ना, तो इसको लिख लिया। अब देखिए दो साइन था तो एक और साइन लिखना पड़ेगा ना, दो साइन है, उसके बाद में कॉस अपना से जोड़े हैं तो एक बार घटाना भी पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, दो पार्ट कर देता हूँ, इतना बटे इतना कर देता हूँ, एक बार इतना बटे इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना बटे इतना कर ली, ठीक है, फिर इतना बटे इतना कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों में वन बाई टू हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये दोनों सेम है, कटेगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन डी एक्स बचेगा वन बाई टू, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आप टी मान लीजिएगा, ओके। इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेते हैं, इसका एक्स हो गया वन बाई टू, और इसको मैं आई वन मान लेता हूँ, ठीक है। अब आई वन के लिए हम नीचे वाले को हमने टी मान लिया, ठीक है। साइन का क्या हो जाता है, कॉस, और कॉस का माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, मैंने माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये वहाँ पे माइनस मैंने कॉमन किया, तो देखिए ये साइन प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, ओके। अब डी एक्स के स्थान पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और इसको तो मैंने टी मान लिया है, तो देखिए आई वन इजकल टू डी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे टी। इसको आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, दोनों एक जैसा है ना, काट लीजिए, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लीजिए, वन बाई टी डी टी, इसका लॉग टी हो जाएगा प्लस सी, माइनस है, और यहाँ पे माइनस लॉग, यहाँ पे टी का मान क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आई वन हो गया ना। अब क्या कीजिए दोस्तों, आई इसलिए आई बराबर क्या माने थे, वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू आई वन, आई वन का मान यहाँ से पुट कर लीजिएगा, तो आई वन का मान कितना था, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डी एक्स बटा वन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है ना, तो वन का क्या होता है फॉर्मूला, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों से इसमें भाग कर दिया, तो साइन से साइन कट जाएगा तो एक बटे कॉस बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर माइन इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो वन बटे साइन, तो वन बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, वन बटे साइन स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर, दो पार्टों में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर डी एक्स कॉस सेक स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, और कॉस सेक स्क्वायर का माइनस कॉस टेक्स होता है प्लस सी, यही आंसर। लास्ट प्रश्न है, ई के पावर टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, थ्री एक लाइन में ही आपका बन जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाता है, लेकिन एक्स में जो सटर रहता है वो बटे में आ जाता है, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो यह आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।